हेलो फ्रेंड्स, इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस कि सेकेंड फेज क्या था 1880 से अप्रॉक्सीमेटली 1940s तक, जब सोशियोलॉजी का स्कोप वाइड होता गया। मतलब कि मैक्रो वाले तो कंटिन्यू थे ही, माइक्रो वाले तो कंटिन्यू थे ही, अब माइक्रो रियलिटीज़ भी आ गई। मतलब कि वेबर ने इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी की भी इस्टेब्लिश कर दिया कि इंटरप्रेट, जैसे अगर लोग क्या समझते हैं, लोग किसी भी चीज़ की क्या मीनिंग निकालते हैं उसको इंटरप्रेट करो, तो वेबर ने ये बोला। इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी इसी को कहते हैं कि अगर इंडिविजुअल किसी चीज़ को क्या समझता है इसको पहले आप समझ लोगे तो आप सोशियोलॉजी समझ लोगे। तो फिर क्या हुआ कि 1880s से जो है कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाने लगा सोशियोलॉजी, और जिससे क्या हुआ कि दो तरह के स्कूल बने, वही फॉर्मल और सिंथेटिक। मैंने पिछले वीडियोज़ में फॉर्मल और सिंथेटिक स्कूल्स के बारे में बता रखा है। अब हम देखते हैं कि ये जो माइक्रो रियलिटीज़ वाला था, ये जो इसके कौन कौन से प्रोपोनेंट्स थे। माइक्रो रियलिटीज़ में आते हैं जॉर्ज सिम्मल। इन्होंने बताया कि हमें समाज में जो इंटरैक्शंस होते हैं हमें उन्हें स्टडी करना चाहिए। जैसे जैसे आप फॉर्मल किस तरह से बिहेव करते हैं, इनफॉर्मली आप किस तरह से बिहेव करते हैं। जैसे आप अपने ऑफिस में अलग तरह से बिहेव करेंगे और घर पे अलग तरह से बिहेव करेंगे। आप किसी को अगर जान रहे हैं तो उससे अलग तरह से बिहेव करेंगे, और किसी को नहीं जान रहे हैं बस या ट्रेन में बैठे हैं तो उससे अलग तरह से बिहेव करेंगे। तो अगर हम इस बिहेव करने वाले इंटरैक्शंस को पढ़ेंगे तो हम सोशियोलॉजी को और अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं समाज को, ठीक है। और अल्फ्रेड विकेट ने कहा कि सोशियोलॉजी किससे डील करती है कि हमारे दिमाग में कुछ ऐसे मेंटल चीज़ें होती हैं जिससे सोशियोलॉजी बनती है। जैसे मैन कैसे एक दूसरे से कैसे कनेक्ट है, क्योंकि उनके दिमाग में ऐसा कुछ है जिसकी वजह से वो एक दूसरे से कनेक्ट है। जैसे कोई किसी के प्रति लव फील करता है या हेट फील करता है या फिर ऐसे सहयोग की भावना रहती है तो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इन्होंने कहा कि हमें जो है हिस्टोरिक बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं पढ़नी चाहिए सोसाइटी में, कंक्रीट सोसाइटी नहीं पढ़नी चाहिए कि प्रिमिटिव सोसाइटी चलो पढ़ लो, चलो फ्यूडल सोसाइटी पढ़ लो। नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस के रिलेशंस को पढ़ना है कि ह्यूमंस आपस में एक दूसरे से कैसे लिंक करते हैं, इसी को पढ़ेंगे, इसी को सोशियोलॉजी में हमें स्टडी करना होता है। अब लियोपोल्ड वॉन वीस क्या बोलते हैं इनको, इन्होंने बोला कि हमें ह्यूमंस बिहेवियर दो तरह के होते हैं, उन्हें स्टडी करना चाहिए। एक ह्यूमंस बिहेवियर होता है एसोसिएटिव और एक होता है डिसोसिएटिव। तो हमें एसोसिएटिव, जैसे हम किसी से एडिप्ट करते हैं किसी रूल्स को, किसी से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो इस तरह के कुछ रिलेशंस बनते हैं समाज में, कुछ एसोसिएटिव जुड़ाव और कुछ डिसोसिएट जिससे कन्फ्लिक्ट पैदा होता है। तो इस तरह के रिलेशंस को हमें पढ़ना चाहिए। अब नेक्स्ट आया ये मैक्स वेबर आए, तो मैक्स वेबर ने वही बताया कि इंटरप्रिटेटिव मीनिंग निकालनी चाहिए सोशल एक्शंस की। अब ये सोशल एक्शन क्या होता है, जैसे इंडिविजुअल कोई भी एक्शन करता है या कुछ भी बात बोलेगा, तो कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो सोशल एक्शन नहीं कही जा सकती। जैसे अब हम अपना बाल बना रहे हैं तो जो है अगर मेकअप कर रहे हैं तो ये सोशल एक्शन नहीं हुआ, क्योंकि ये किसी इंडिविजुअल के प्रति नहीं है, मतलब किसी दूसरे इंडिविजुअल के प्रति नहीं है। अगर हम किसी को इंडिकेट कर रहे हैं या ऐसे भुआएं ऊपर कर रहे हैं या फिर किसी को बुला रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं, तो जो इंडिविजुअल जिससे जो इन्फ्लुएंस होता है तो उसे हमें इंटरप्रेट करना चाहिए। जैसे अब सोशल बिहेवियर उसे ही कहते हैं ना, जैसे अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो उसे सोशल बिहेवियर कहेंगे ना। अगर हमारे बात से कोई इन्फ्लुएंस हो रहा है तो उसे सोशल बिहेवियर करेंगे। अगर हम यहीं शीशे पे खड़े होकर खुद से बात करेंगे तो वो सोशल बिहेवियर नहीं होगा। तो हमें अगर हम किसी से इंडिविजुअल से कोई बात कर रहे हैं तो उसकी मीनिंग क्या निकलती है उसको वो इंटरप्रेट करें, तो मैक्स वेबर ने इसको कहा। अब फर्डिनेंड टोनीज ने क्या बोला, फर्डिनेंड टोनीज ने कहा कि
हमें दो तरह की सोसाइटीज़ को स्टडी करने चाहिए कि दो तरह की सोसाइटीज़ होती हैं, उनमें क्या क्या रिलेशंस होते हैं, जैसे गेमिनशाफ्ट और गेजलशाफ्ट। इसको हम आगे डीपली पढ़ेंगे। वैसे आप बस इतना जान लीजिए, जो गेमिनशाफ्ट होती है वो स्मॉल सोसाइटीज़ होती है, और जो गेजलशाफ्ट होती है वो बड़े बड़े एसोसिएशंस या इंडस्ट्रीज़ के बीच में कैसा रिलेशन बनता है। ये एक ऑफिशियल टाइप का होता है और ये अनऑफिशियल होता है। जैसे इसको फैमिलीज से भी कनेक्ट कर सकते हैं आप, और इसको आप अपने ऑफिस से भी कनेक्ट करते हैं कि ऑफिस में कैसे लोग बिहेव करते हैं और यहाँ फैमिलीज में कैसे लोग बिहेव कर सकते हैं। तो फर्डिनेंड टोनीज ने ये कहा कि हमें इस तरह के स्टडी करना चाहिए कि कितनी डिग्री से आपस में लोग इन्वॉल्व है। जैसे इसमें इनके बीच में जो पीपल हैं, जो लोग हैं, वो इंडिविजुअल हैं, वो आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, इनमें जो इंडिविजुअल हैं वो आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, हमें इनको स्टडी करना चाहिए। अब हम चलते हैं कि अब जो फॉर्मल स्कूल वाले सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप पर फोकस कर रहे हैं, तो इनको क्रिटिसाइज भी किया गया है। कैसे? अब इन्होंने कहा कि अब ये वैसे भी फोकस कर रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट चीज़ पे, जिस किसी के मन पे क्या चल रहा है वो किसी को पता तो है नहीं, तो ये किसी के मन पे फोकस कर रहे हैं। तो इसे इन्होंने इन पे ये इल्ज़ाम लगा कि आप एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं जिसको पता नहीं कर सकते हम। तो इन्होंने बोला कि आप सोसाइटी की कंक्रीट थिंग्स पे नेग्लेक्ट करें, मतलब कि जो चीज़ें सोसाइटी में दिख रही हैं, जैसे सोसाइटी में गरीबी है दिख रही है, आप उस पर नहीं फोकस कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट दिख रहा है उस पर अनएम्प्लॉयमेंट दिख रहा है उस पर नहीं फोकस कर रहे हैं। तो समाज में कई तरह की प्रॉब्लम्स हैं उस पर आप फोकस नहीं कर रहे हैं। तो इसको क्रिटिसाइज़ किया गया। अब सोरोकिन्स कहते हैं कि वी मे फिल अ ग्लास विथ वाइन वाटर शुगर विदाउट चेंजिंग इट्स फॉर्म। अगर हम इन्होंने कहा कि हम ऐसा ग्लास देख सकते हैं कि अगर हम उसमें वाइन वाटर या शुगर चेंज करें तो उस ग्लास पे के शेप पे कोई असर नहीं होगा, लेकिन हमने ऐसा कोई सोसाइटी नहीं देखा। जैसे इनका कहने का मतलब ये है कि अगर स्कूल है तो स्कूल में जो बच्चे हैं, प्रिंसिपल हैं, स्टूडेंट हैं, तो अगर इनके जो फॉर्म्स चेंज हुए, तो मतलब कि उनके मेंबर चेंज हुए तो फॉर्म भी बदल गया ना, स्कूल बन गया। अब देखिए, मम्मी पापा बच्चे दादा दादी ये मेंबर बने तो क्या फॉर्म बना, फैमिली फॉर्म बन गया। तो इन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कभी ये नहीं देखा कि जो है अगर मेंबर चेंज हो तो फॉर्म ना चेंज हो, जबकि जो फॉर्मल स्कूल वाले थे उन्होंने कहा कि हमें मेंबर पे फोकस ही नहीं करना, हमें बस फॉर्म पे फोकस करना है। तो किस तरह का फॉर्म बन रहा है, किस तरह का रिलेशनशिप बन रहा है। तो अब ऑब्वियस सी बात है, अगर मेंबर्स बदलेंगे तो फॉर्म भी बदलेगा ही। तो अब गिन्सबर्ग ने आगे क्या बोला, गिन्सबर्ग ने कहा कि हम सोशल साइंस को आइसोलेशन में नहीं देख सकते, हम सोशल साइंस को ऐसे आइसोलेट नहीं कर सकते अदर सोशल साइंस से, हम इसे एज अ होल लेकर के ही चलना पड़ेगा, क्योंकि सोसाइटी ही सबका पार्ट है। सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, तो हमें सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। और अगर कुछ भी आपको ऐसा लगे दिक्कत कि कोई प्रॉब्लम है या कहीं कोई कॉन्सेप्ट अनक्लियर रह गया हो, तो प्लीज़ मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मतलब कमेंट कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।